दोस्तों मैं उस स्थान पर आप सबको लेकर आया हूँ जिस स्थान पे कन्हैया यानी भगवान श्री कृष्ण गैया चराते थे, छोटे छोटे बछड़ों को चराते थे, गौ माता को चराते थे, उस स्थान पर लेकर आया हूँ। और वो स्थान आप देखेंगे आज भी जंगल की तरह है, आज भी घना जंगल है, घनघोर जंगल है। अभी आप देख रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे भी गैया मैया को चारा दे रहे थे, यानी गाय को घास हाथ में लिए हुए उन्हें बड़े दुलार से, बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से उन्हें खिलाने का काम कर रहे थे। ये छोटे बच्चे कन्हैया की सानिध्य में रहकर, यानी जहाँ बंसी बट में रहकर, उन्हीं की तरह जैसे वो गाय को प्रेम करते थे, गाय को माता मानते थे, उसी तरह से प्रेम और स्नेह कर रहे थे। अब उन बच्चों से मैं पूछूंगा कि बच्चों के अंदर ऐसे भाव कैसे आया। तो अब छोटे से कन्हैया के बारे में देखो, रस्सी अस्सी बांधने की कोशिश कर रहे हैं ये, और रस्सी बांध के ये मुझे लगता है गैया मैया के लिए ले जाएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? नीरज। अच्छा, ये क्या है? रस्सी है। अच्छा, तो हाँ। तो ये छोटे से कन्हैया मुझे मिल गए हैं इस जंगल में, और इस जंगल में देखो जो है वो रस्सी जो है गैया मैया के लिए पकड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं और इसे बांधे जा रहे हैं। तो नीरज ये बताओ, तुम इस जंगल में तुम्हें डर नहीं लगता? अरे पूरा जंगल है, घना जंगल है, और मुझे तो बहुत डर लग रहा। आपको नहीं डर लगता? अरे और तुम्हारा रंग रूप एकदम, मैं देख रहा हूँ इधर देखो, अब सब लोग तुमको देखेंगे, सारे लोग देखेंगे, बस तुम्हारा रंग रूप सब कन्हैया जैसा है। ऐसे हमारे छोटे से कन्हैया थे, भगवान श्री कृष्ण को जानते हो ना? हाँ, तो ऐसे थे, और यहीं पे गैया चराने आते थे। जब बाबाओं से मैंने पूछा यहाँ पे बंसी भट पे, तो यहीं गैया चराने आते थे। तो गैया चराने तुम भी आ जाते हो क्या? तुम्हारी भी गैया है क्या? अरे वाह। तो नीरज ये बताओ, इस जंगल में कहीं सांप और कहीं कुछ दिखता तो नहीं, डर तो नहीं लगता? अच्छा, है कहाँ गैया? गैया से प्यार करते हो? गैया मैया से, बछड़े से प्यार करते हो? अच्छा, तो ये देखो ये छोटे से कन्हैया हैं, बंसी भट में ये दिखाई दे गए, और जंगल में गाय का प्रेम, गौ माता का प्रेम इतना था, इतना लगाव था कि वो प्यार से चारा दे रहे हैं। इनके साथी और भी ग्वाल बाल हैं, उनसे भी मैं, उनके भी दर्शन मैं कराऊंगा, लेकिन ये बड़े प्रेम से, भाव से गौ माता के को चारा दे रहे थे। अब रस्सी तैयार कर, ये रस्सी तैयार करने में, अब खींचने में लगे हुए हैं कि किसी तरह से इनकी रस्सी तैयार हो जाए। अब आपके ग्वाल बाल कहाँ हैं? आपके दोस्त कहाँ हैं? आपके दोस्त, आहा, ये देखो भाई असली कन्हैया के ग्वाल बाल आप सबको दिखाते हैं। यहाँ पर देखो जैसे कन्हैया अपने ग्वाल बालों के साथ, अपने सखा के साथ जो है पेड़ पे अठखेलिया खेलते थे, वैसे ही कन्हैया ये छोटे दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पे लटकते हुए, पेड़ पे झूलते हुए, पेड़ पे, इधर से दिखाइए, इधर से पेड़ पर देखिए, आनंद और मस्ती करते हुए। ये देखिए इधर देखे भाई, इस तरफ से, वाह, ये वही पेड़ है, ये वही स्थान है, वो वही जगह है जहाँ पर कन्हैया विचरण करते थे, ग्वाल बालों के साथ पेड़ पर खेलते थे। लेकिन आज हमारे छोटे छोटे बच्चे वो कन्हैया का स्वरूप हैं जो अपने पेड़ पर खेल रहे हैं। अब देखिए ये कैसे छोटे से नीरज जो है, जिन्होंने बताया था कन्हैया बने थे, ये कैसे पेड़ पर अठखेलिया खेल रहे हैं, यानी गैया चुंगाने। तो दोस्तों यहाँ ये देख रहे हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ पेड़ पर खेलते थे, क्रीड़ा करते थे, वैसे ही छोटे छोटे बच्चे कन्हैया के स्वरूप में बंसी बट में आनंद ले रहे हैं। जैसा हम संस्कार बच्चों को डालेंगे, जैसी हम परंपरा बच्चों को डालेंगे, वैसे ही अगर हम मॉल में, सिनेमा हॉल में घुमाएंगे, पिक्चर्स दिखाएंगे, तो उनका संस्कार वैसे पड़ेगा। अगर वो बंसी बट के किनारे रहेंगे तो उसी तरह से पेड़ पर खेलेंगे, उसी तरह से पेड़ पर कूदेंगे जैसे भगवान श्री कृष्ण कभी खेलते थे, कभी कूदते थे। अब छोटे से, अच्छा अब ओहो, ऐसे तो बड़ा बड़ा उल्टा सा हो जाएगा। अब आ जाओ भाई। अब मैं इनको जो सीधा करके कन्हैया को, छोटे से बाल रूप को, स्वरूप को, यहीं पर बात करेंगे। चलो अब तुम यहीं पर रहो, और देखो मैं अपने साथी से कहूँगा कि कैमरा पहुँच जाएगा। हाँ, गैया चराते हो क्या? हाँ। अच्छा, तो गैया का कोई नाम भी रखा है क्या? गैया का नाम है राधा रानी। ओहो, तो ये छोटे से ग्वाल बाल हैं, और इन्होंने बताया कि राधा रानी गैया का नाम रखा है। अच्छा, अब ये बताओ कि ये तुम्हारी गैया है या यहाँ पे आती है टहलने? यहाँ पे टहलने आती हैं। तो गैया को अच्छा लगता है, तुमको अच्छा लगता है कि नहीं? आपको गैया को भी अच्छा लगता है हमको। अच्छा, मैं ये देख रहा था अभी आप चारा लगा रहे थे गैया मैया को दे रहे थे, तो उनको खिलाते हो? हाँ। तो उनसे चारा खिलाने पर तुम्हें अच्छा लगता है? हाँ।
अच्छा, और ये गैया मैया से प्यार करते हो, बछड़ों से प्यार करते हो? हाँ। अच्छा, इनके राधा रानी नाम है, और भी कुछ नाम है? जाए पता होगी, जाए पूछ ले। जाए पता हो गो, उनसे पूछ ले। हाँ, जाए विष्णु को पूछ ले। अच्छा, विष्णु से। क्या नाम है तुम्हारा? नुकुल। नुकुल, अच्छा। और पेड़ पे भी चढ़ लेते हो? शहर के बच्चे तो ऐसे नहीं चढ़ पाएंगे। हम चढ़ जाते हैं। इतने पे तो डर जाएंगे। अच्छा, उस किस पे चढ़ जाओगे? हम लकड़ियाँ भी तोड़ लेते हैं। लकड़ियाँ भी तोड़ लेते हो? क्या तोड़ लेते हो? लकड़ियाँ। लकड़ियाँ भी तोड़ लेते हो? ऐसे आँच पाँच बराबर के कारण ऐसे रोटी बना लियो। रोटी वोटी भी बना लियो। अच्छा, और जो है डर नहीं लगता जंगल में? नहीं। अच्छा, तो ये देखो सब ग्वाल बाल जो है वो अटखेली खेल रहे हैं, पेड़ पे खेल रहे हैं, पेड़ पे। फिर देखिए वो कैसे इस निश्चिंत से बैठे हैं। अगर शहर के बच्चे पेड़ पर बैठेंगे इस तरह से तो उनके अंदर डर होगा, भय होगा, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की इन पर कृपा है, भाव है, और इसलिए ये आनंद से इस पेड़ पर खेल कूद कर रहे हैं। अब छोटे से कन्हैया हैं, छोटे से ग्वाल बाल हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। गैया मैया को जो है वो हरा चारा खिलाते हो? तुम्हारे घर पर भी गैया हैं? घर पर गैया हैं। अच्छा, यहाँ पर जो आ जाती है गैया वो किन की होती हैं? वो यहाँ टहलती रहती है गैया मैया। तो गैया मैया की सेवा करते हो, प्यार करते हो गैया मैया? अच्छा, अरे तो तुम्हें तो वो खेलना चाहिए, खिलौने खेलने चाहिए, और जो है टॉफी बिस्किट में रहना चाहिए। गैया मैया में क्या अच्छा लगता है? गैया चराते हैं। गैया चराते हैं, और चराने में आते हैं गैया तो बहुत अच्छा लगता है। तुम भी मेरे छोटे से कन्हैया हो, छोटे से कन्हैया, जैसे भगवान कृष्ण थे वैसे ही प्यारे से नटखट से ग्वाल बाल हो। नाम क्या बताया आपने? ओ भगवान, तो दोस्तों भगवान विष्णु नाम बताया, और भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार थे। तो ऐसे ग्वाल बालों को एक बार फिर दर्शन दिखाएंगे, और एक बार फिर मैं दिखाऊंगा कि देखिए कितने ऊपर पेड़ पर चढ़ गए हैं। ये साक्षात कन्हैया के रूप हैं, ये साक्षात कृष्ण के रूप हैं, ये साक्षात ग्वाला के रूप हैं, जो इतना साहस और हिम्मत कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि शहर के हमारे बच्चे इतने ऊपर पेड़ पर नहीं चढ़ पाएंगे जितने ऊपर वो पेड़ पर एकदम शिखर पर चढ़े हुए हैं। देखो छोटे से ये विष्णु जो कन्हैया हैं वो भी ऊपर चढ़ रहे हैं। यानी इस बात से प्रमाणित होता कि हम जैसा संस्कार बच्चों में डालेंगे वैसा ही संस्कार बच्चों में पड़ेगा। एक बार फिर देखो, अब सब लोग नीचे आओ भाई, सब लोग आ जाओ नीचे। कन्हैया जय कन्हैया लाल की एक बार कहेंगे, इतने ऊपर मत चढ़ा करो, और गिरने का भी डर बना रहता है जल्दी। अरे तुम तो पैर में छोटे से चप्पल भी नहीं पहने हो भाई, आपकी चप्पल टूट चुकी है। अच्छा, तो अब फिर चप्पल टूट गई तो आपके पास चप्पल नहीं है? अच्छा, तो पिताजी क्या करते हैं? पिताजी चप्पल रखते हैं। अच्छा, तो चलो अब तुमको चप्पल नहीं दिलवा देते हैं ना, ठीक है? अब तुम्हारे तो अब सब लोग बोलेंगे एक बार जय कन्हैया लाल की, है ना? हाथी घोड़ा पाल की, है ना? आ जाओ भाई, आ जाओ नीरज, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ भाई मेरे छोटे छोटे कन्हैया, आ जाओ प्यारे से। अब कौन तेज से बोलेगा जय कन्हैया लाल की? जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। तो देखिए सारे छोटे से कन्हैया, प्यारे से कन्हैया, नटखट से कन्हैया, बंसी बट में जो भटक रहे हैं, जो घूम रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, उन्होंने जय कन्हैया लाल के जय घोष लगाया।